मिशन 2024 को फतह करने के लिए कांग्रेस ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। संगम की रेती पर लगे माघ मेला क्षेत्र के त्रिवेणी रामानुज मार्ग स्थित कांग्रेस सेवा दल का 3 दिवसीय विशेष समर्थ चिंतन मंथन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। बुधवार को सुबह 10 बजे शिविर की शुरुआत ध्वजारोहण और राष्ट्रीय गान से की गई। इसके बाद वेदों मंत्रोच्चार कर पंच ब्रह्मचारियों ने शंख ध्वनि की प्रस्तुति की। प्रशिक्षण लेने के लिए जुटे बड़ी संख्या में कांग्रेस स्वयं सेवक के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए आए सुप्रसिद्ध लेखक और विचारक अशोक कुमार पांडे ने सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक परिदृश्य पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं गांधी की जीवन शैली पर वर्णन किया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी ये शिविर का आयोजन सेवा दल के द्वारा किया जा रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद पांडे जी के पूरे देखरेख में, इनके नेतृत्व में ये आयोजन किया जा रहा है और इसमें लगातार सेवा दल के लोग, हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग और अन्य जो भी इसमें यहाँ के शामिल होना चाहते हैं लोग, सब लोग इसमें भागीदार होते हैं और एक यहाँ से एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत, एक मजबूत जो चीज़ें चली आ रही हैं, हम एक संदेश देते हैं कि यहाँ से प्रयागराज की धरती से पूरे देश और प्रदेश के अंदर ये संदेश जाए कि आपसी भाईचारा, एकता बनी रहे और इस पवित्र भूमि से वो संदेश हम लोग देने का प्रत्येक वर्ष काम करते हैं। चुनाव की कितना तैयारी चल रही है, लोकसभा इस तरह होने वाला है? अब यहाँ पर तो केवल यहाँ धार्मिक आयोजन हो रहे हैं और लोगों से वार्तालाप हो रही है। अब चुनाव की तैयारी, आने वाला समय निश्चित तौर से, जो राहुल जी ने यात्रा की है भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर की, उसका पूरा असर आम जनमानस, गांव गिराव हर जगह है। कांग्रेस निश्चित तौर से अपनी बुलंदी का परचम फहराएगी और फहराती चली आ रही है।